बड़ी खबर देखिए, कैसे यूक्रेन ने रूस के टैंक के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये विजुअल देखिए, जबरदस्त अटैक किया है यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंक पर। रूसी टैंक को कैसे उड़ा कर रख दिया यूक्रेन ने, ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने रूसी सेना के टैंक के परखच्चे उड़ाने की। एक ही शॉट में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए यूक्रेन की सेना ने। ये तस्वीरें देखिए, धुआं धुआं कर दिया उस टैंक को। टैंक में दिखा बहुत जोरदार जबरदस्त ब्लास्ट। ये तस्वीरें उस टैंक के जलने की। यूक्रेन ने ड्रोन से पहले उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया और उसके बाद देखिए कैसे उस टैंक को उड़ा दिया यहां यूक्रेन ने। ये यूक्रेन का अटैक आपको हम दिखा रहे हैं रूस के टैंक पर। तो क्या ये वॉर का फाइनल राउंड है? क्या बाखमुत की बैटल डिसाइसिव बैटल होने जा रही है? प्रिगोजिन जो कि वैगनर आर्मी चीफ है, उन्होंने क्यों कहा कि ये वॉर अब रुकनी चाहिए? आज ये कुछ बड़े सवाल है इस फाइनल राउंड से जुड़े हुए, वो हम आपके सामने रखेंगे, अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन जरा वॉर जोन से आ रही है तस्वीरें देखिए। अवदीवका में यूक्रेन ने जैवलिन से जो हमला किया है, अब आपको ये देखना चाहिए। जैवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और देखिए कैसे रूसी टैंक को एटीजीएम से तबाह किया यूक्रेन ने अवदीवका में। यह उसका सबूत है आपके सामने। यूक्रेनी सैनिक ने सटीक निशाना लगाया और इस तरह से यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है और जानकारी दी है। यह अवदीवका में देखिए, रूसी टैंक के पास कोई चारा नहीं था सिवाय शिकार बनने के यूक्रेन के जैवलिन मिसाइल के। देखिए ये एटीजीएम है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका से मिली है और इसने कैसे रूस के टैंकों के परखच्चे उड़ाए हैं उसकी बानगी ये एक तस्वीर है। बहुत खतरनाक साबित हुई है ये मिसाइल रूसी टैंकों के लिए। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रखते हैं। उरागन रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन का भीषण हमला आपको दिखाते हैं। उरागन रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने किस तरह से भीषण हमला किया, आप ये देखिए। ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, एक के बाद एक कई सारे रॉकेट एक साथ छोड़ता है कुछ ही समय में और इस पर ताबड़तोड़ अटैक किया है उरागन मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से। यहां पर MLRS के कॉकपिट से हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। डोनेस्क में रूसी ठिकानों पर भीषण तबाही मचाई गई है। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। और देखिए ज़ापोरिज़्या से बड़ी खबर आ रही है। ज़ापोरिज़्या में भी यूक्रेनी फौज का भीषण प्रहार देखने को मिला है, जल्दी से वो देखिए आप। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेनी फौज का भीषण प्रहार, रूसी ठिकानों पर बरसाए ताबड़तोड़ रॉकेट। MLRS से हमले कर रूस के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं ज़ापोरिज़्या में। ज़ापोरिज़्या में भी यूक्रेन की फौज का भीषण प्रहार देखिए, एक के बाद एक तमाम रॉकेट, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MLRS, कैसे यहां पर रूस के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है ये देखिए। बड़ी खबर दिखाते हैं आपको अब HIMARS कैसे यहां पर यूक्रेन के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है, उसका एक्शन दिखाते हैं आपको। एक्शन में नजर आया यूक्रेन का HIMARS रॉकेट सिस्टम। क्रिमेनिया में रूसी टारगेट को निशाना बनाया HIMARS ने। क्रिमेनिया के जंगलों में कई हफ्तों से भीषण जंग चल रही है। क्रिमेनिया में बढ़त हासिल करने के लिए यूक्रेन का प्रहार आप देख सकते हैं। बाखमुत से एक बहुत बड़ी खबर है। बाखमुत में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रही है।
वैगनर ग्रुप की सैनिकों पर भीषण फायरिंग अब आपको दिखाते हैं। एक घर से यूक्रेनी सैनिकों पर गोलियां बरसाता देखा वैगनर लड़ाका। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बाखमुत की बैटल एक डिसाइसिव बैटल होने की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ये प्राइवेट आर्मी है, वैगनर आर्मी, जिसके जवान यहां पर रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। और कैसे एक वैगनर लड़ाका यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ऑटोमेटिक हथियारों से यूक्रेन पर गोलियां बरसाई हैं वैगनर आर्मी के इस लड़ाके ने। और बड़ी खबर दिखाते हैं, बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स कड़ी टक्कर दे रही है, बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। रूसी ठिकाने को टारगेट करता नजर आया एक सैनिक। बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त टक्कर दे रही है। यूक्रेनी सैनिक ने बिना रुके एक अंधाधुंध फायरिंग की। अभी आप वैगनर ग्रुप के लड़ाके की फायरिंग देख रहे थे, अब यूक्रेन के सैनिक की फायरिंग देखिए। वैगनर फोर्स को कड़ी चुनौती दे रहे हैं यूक्रेनी जवान। तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ बाखमुत में वैगनर आर्मी का जवान कैसे यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन का जवान कैसे पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के हाथ में बाखमुत में ज्यादा कुछ है नहीं, अधिकतर इलाका वो रूस से हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे वो लगातार कोशिश कर रहे हैं वो रीगेन करने की, लगातार कैसे वो कोशिश कर रहे हैं रूस को पीछे धकेलने की, आपको दो तस्वीरों में दिखाते हैं। लेफ्ट साइड आपको यूक्रेनी जवान फायरिंग करता दिख रहा है, राइट साइड आपको यहां पर वैगनर आर्मी का जवान फायरिंग करता दिख रहा है। और बाखमुत के अर्बन टेरेन में लड़ाई हो रही है। बाखमुत का जो आउटस्कर्ट है, जहां पर जंगल है, वहां भी लड़ाई चल रही है, लेकिन ये देखिए, ये अर्बन टेरेन है, शहरी इलाका है जहां बिल्डिंग्स हैं और उनमें कैसे ब्लॉक दर ब्लॉक जीतने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बाखमुत की लड़ाई इस वक्त आपके सामने है। और बाखमुत से एक और खबर है, बाखमुत की जंग का एक और वीडियो सामने आया है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग बाखमुत में दिखी है। एक दूसरे पर गोलियां बरसाते दिखे हैं सैनिक। तहस नहस रिहायशी इलाके में छुपकर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। ये देखिए बाखमुत से खबर है, बाखमुत में देखिए तस्वीरें सामने आई हैं कैसे रूस और यूक्रेन के सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं एक दूसरे पर। पूरी कोशिश लगा दी गई है, बाखमुत की लड़ाई क्या फाइनल राउंड होगी, क्या यही है वो लड़ाई जिससे रूस और यूक्रेन की जंग का अब अंतिम फैसला होगा, क्या ये है जंग का फाइनल राउंड। आज इसी पर बात करते हैं, क्या ये जंग का फाइनल राउंड है। और ये जो दो नेता आप देख रहे हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की, इन दोनों के बीच क्या बाखमुत एक डिसाइसिव बैटल साबित होगी, आज सबसे बड़ा सवाल यहां ये पर है। और इसीलिए आज सारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए, जंग के बीच बाखमुत में भीषण तबाही का वीडियो सामने आया है। वीडियो में जलती नजर आई है रिहायशी इमारतें, जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर बन गया है, कई इमारतों में उठा हुआ धुआं नजर आया है। बाखमुत में हुआ क्या है, बाखमुत की ये खूनी जंग आखिर यहां तक कैसे पहुंची है। पीसीआर जल्दी से वो ग्राफिक्स दिखा देते हैं, बाखमुत का फाइनल राउंड क्या यहां पर बता रहा है हमें और क्या उससे जुड़ी जानकारियां हैं। ये देखिए बाखमुत में पहले देखिए खूनी जंग कैसे चल रही है। 48 घंटे में रूस के ताबड़तोड़ अटैक बाखमुत में देखने को मिले हैं। रूस हर दिन यहां पर 500 गोले दाग रहा है, 500, और रूस 40 से 50 हमले रोज कर रहा है। 80% इलाका जो है ये रूस के कब्जे में आ गया। डोनबास पर कब्जे के लिए बाखमुत बेहद जरूरी पॉइंट है। पूर्वी यूक्रेन फतह करने के लिए बाखमुत फतह करना बहुत जरूरी है। बाखमुत मिला तो पूर्वी यूक्रेन से पश्चिम की ओर जाना आसान होगा, और बाखमुत मिलने पर रूस की सप्लाई लाइन और मजबूत होती है। एवीएम श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आप बाखमुत की लड़ाई को कैसे असेस कर रहे हैं और विजुअल जो आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रही लड़ाई? आप जो कह रहे हैं गौरव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाखमुत की जो लड़ाई है, अब जहां तक लड़ाई का सवाल है उससे हट करके
अब मोरल का भी लड़ाई हो गई है कि दोनों सेनाओं में किसका मोरल हाई है। जो जीतेगा उसका मोरल बहुत हाई हो जाएगा, ब्रीज तो कर ही देंगे वो जाने की तरफ, वेस्ट की जाने की तरफ। उसका असर ये पड़ेगा कि यूक्रेन को अपनी इस लड़ाई के लिए जो चाहते हैं पुतिन कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आएं और सीज फायर के लिए अग्री करें, और जिससे कि जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का वो उनके पास रह जाए, जो इलाका की बात हुई जिसको उन्होंने रिकग्नाइज किया है, और क्रीमिया को ना छुएं। ये वाली स्थिति पैदा करने के लिए बाखमूत को, जो अभी मीट ग्राइंडर की तरह काम कर रहा है, उसको जीतना बहुत जरूरी हो गया है। और खास बात जो लीक रिपोर्ट की आपने की है उसमें यह है कि यूक्रेन के पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो संसाधन है, गोले बारूद हैं, उनकी कमी होने वाली है। उसमें यह भी कहा गया है कि 4 से 5 मई के आसपास ये खत्म हो जाएंगे। आपने खुद ग्राफिक्स में बताया कि जितने गोले दागे जा रहे हैं रूस की तरफ से, उसके एक फ्रैक्शन भी यूक्रेन की तरफ से नहीं दागे जा रहे हैं। तो ये लड़ाई एक तरीके से उसमें इंबैलेंस आता जा रहा है, और तीन तरफ से एक तरफ से खोला हुआ है। मुझे लगता है वो जानबूझ के स्ट्रेटजिक मूव है कि आप पीछे हटिए, उसके लिए एक रास्ता दिया हुआ है वेस्ट की तरफ। आप देख रहे हैं तीन तरफ से जो रूसी सेनाएं हैं उन्होंने घेरा हुआ है। नहीं, ठीक है, आपके आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पर बाखमूत को समझाती है। यूक्रेन युद्ध 30 अप्रैल से और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज अभी इस न्यूज से, इस वॉर से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिका ने तय की यूक्रेन के काउंटर अटैक की तारीख। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन हमला करेगा ये कहा जा रहा है। ज़ापोरिज़िया को रूस से आजाद कराने पर यूक्रेन का फोकस होगा। फिलहाल ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा है, और एक बार फिर से यहां पर एक पेंटागन लीक, या कहें और मनीष झा जो हमारे संवाददाता अपने सोर्सेज से कंफर्म कर रहे हैं, वो ये बताता है कि यह लड़ाई और ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है, क्योंकि जो काउंटर ऑफेंसिव, स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात आ रही है वो 30 अप्रैल से यूक्रेन शुरू कर देगा। एक बहुत बड़ी खबर, जल्दी से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्या जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल गौरव, जो बात कही जा रही थी कि यूक्रेन पलटवार कब करेगा, कब वो स्प्रिंग ऑफेंसिव होगा, कब वो काउंटर ऑफेंसिव होगा, तो उसकी तारीख मुकर्रर हुई है 30 अप्रैल। यानी 30 अप्रैल के बाद से यूक्रेन अपना हल्ला बोल करेगा। यूक्रेन को अमेरिका से और पश्चिमी देशों से लेपर्ड और अब्राम और जो दूसरे और टैंक मिले हैं और दूसरे और हथियार मिले हैं, उन सब को लेकर यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ ज़ापोरिज़्या और खार्किव के इलाके में रूस पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये रूस को पता नहीं है। मैंने रूस के कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर से बात की, FSB के ऑफिसर से बात की, उन सब का भी मानना है कि तैयारी हो रही है यूक्रेन की तरफ से, और 30 अप्रैल से जब ये लड़ाई शुरू होगी तो उस वक्त रूस भी उसका जब करारा जवाब देगा। लेकिन 30 अप्रैल वो तारीख है जिसके बाद एक बार फिर आप रूस और यूक्रेन कह रहे हैं कि जो लेपर्ड मिले हैं, जो इनको दूसरे टैंक मिले हैं, जो यहाँ पर अब्राम्स मिले हैं, ये 30 अप्रैल से इन सब का मोर्चा खोल दिया जाएगा। बिल्कुल, जो टैंक मिले हैं, जो तमाम दूसरे और हथियार मिले हैं, उन सब के साथ ज़ापोरिज़्या और खार्किव इलाके में इसलिए खोला जाएगा क्योंकि यूक्रेन का और नाटो का असेसमेंट यह है कि वो इलाका ऐसा है जहां पर यूक्रेन की स्थिति थोड़ी मजबूत है, थोड़ी मजबूत। तो ये लड़ाई बाखमूत के साथ साथ ज़ापोरिज़्या में भी बहुत विध्वंसक होने जा रही है, ये बड़ी खबर। मनीष झा यहां पर ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। और भी इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीषण लड़ाई चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, क्रीमिया से तस्वीर आ रही है। क्रीमिया में रूसी सेना ने फिर मोर्चा खोल दिया है। रूसी सेना ने हॉविट्ज़र से क्रीमिया में हमला किया है। यूक्रेनी टुकड़ी पर हॉविट्ज़र से बारूद बरसा दिया है यहां रूसी सेना ने। रूसी तोप के हमले से यूक्रेन की एक पूरी टुकड़ी तबाह हो गई, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए, ये रूसी हॉविट्ज़र्स हैं जो यहां पर हमला करते हुए रूसी सैनिक यूक्रेन पर, जिससे और एक और बड़ी खबर देखिए, लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी जवान ने टावर से जैवलिन से हमला किया है, अब उनको टावर पर चढ़कर जैवलिन से अटैक करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। ये एक यूक्रेनी सैनिक है जो वॉर जोन में एक टावर पर चढ़ गया और टावर पर बैठकर इसने अमेरिका से मिली ये जैवलिन मिसाइल दागी है एक रूसी टैंक को तबाह करने के लिए। ये तस्वीर देखिए आप ध्यान से, ये एक यूक्रेनी सैनिक है जो टावर पर बैठकर जैवलिन मिसाइल पर हमला कर रहा है। यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड के जवान ने यह हमला किया है। जैवलिन मिसाइल अटैक से रूसी ठिकाना तबाह हो गया, ये जानकारी सामने आ रही है। वॉर जोन में हॉविट्ज़र से जबरदस्त फायरिंग देखने को मिली है। हॉविट्ज़र से एक के बाद एक कई गोले दागे गए हैं और यूक्रेनी फौज ने यह हमला किया है जिसमें रूस को भारी नुकसान की खबर है। देखिए कैसे जहां पर यह हॉविट्ज़र से निकला गोला गिरता है वहां पर कैसे पूरा एकदम
गड्ढा हो जाता है और कैसे चारों तरफ मिट्टी उड़ती दिखाई देती है, और जहां से हॉविट्ज़र से दागा जा रहा है गोला, वहां भी कुछ ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हॉविट्ज़र से दागे गए गोले के बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेलगोरोद से खबर है, बेलगोरोद रूस का शहर है, सीमावर्ती शहर, और वहां रशियन थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया है ड्रोन से, यूएवी से थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया है यूक्रेन ने। हमले में एक थर्मल पावर स्टेशन में आग लग गई। ये तस्वीर देखिए, ये बेलगोरोद का इलाका है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है, और ये बताता है कि यूक्रेन अब अंदर तक घुसकर रूस को मारने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक रशियन थर्मल पावर प्लांट पर यूएवी यानी ड्रोन से अटैक किया। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं। रूस के बेलगोरोद में आसमान में यूएवी दिखे, यूएवी यानी ड्रोन्स, दो यूएवी दिखने के बाद रशियन एजेंसीज अलर्ट हो गई। यूक्रेन लगातार अपने ड्रोन्स भेज रहा है रूस के अंदर, थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किए जाने की आशंका है। ये धुआं देखिए, जब उन पर अटैक किया गया तो उन थर्मल पावर प्लांट्स में आग भी लग गई। ये खबर आपको बताएगी कि कैसे रूस के अंदर अब यूक्रेन घुस रहा है। आइए जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं, ये हो क्या रहा है, क्या ज़ेलेंस्की ने अब रूस के अंदर अटैक करने की बात सोच ली है, क्योंकि क्रीमिया से लेकर बेलगोरोद तक अटैक इससे पहले भी हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। आप पहले इस खबर को समझिए, महाविनाश का क्या यह काउंटडाउन है, खबर क्या है? खबर है बेलगोरोद पर यूक्रेन का भीषण हमला, रूस के दो पावर स्टेशनों पर ड्रोन अटैक किया गया, और यूक्रेनी हमले के बाद पूरे इलाके में यहां पर अंधेरा देखने को मिला। जरा इसको क्लोज करिएगा पीसीआर, यहां पर आशंका देखिए, अब आशंका क्या है, यूक्रेन पर बड़ा काउंटर अटैक कर सकता है रूस, यह जानकारी आ रही है। जिस देश का ड्रोन है उस पर रूस हमला कर सकता है, यह जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा रूस का यूक्रेन के पावर इंफ्रा को बर्बाद करने की प्लानिंग सामने आ रही है। अब यूक्रेन के हमले का डर हर बार रूस ने करारा जवाब दिया है, यूक्रेन ने जब जब उस पर हमला किया है, क्या इस बार भी करारा जवाब रूस की तरफ से इस हमले का दिया जाएगा? और नेटो देशों के वेपन से हमला हुआ तो उस देश का हमला माना जाएगा, यह रूस ने कहा है, तो क्या इसमें नेटो देशों की भी कोई यहां भागीदारी दिख सकती है? एक मैप दिखाते हैं आपको, वो मैप देखिए, यहां पर क्रीमिया से लेकर बेलगोरोद तक कैसे यहां पर रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन अब ये फाइनल राउंड करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, पहले क्रीमिया पर हमला किया गया और यहां से 504 किलोमीटर की दूरी है, जरा ये मैप दिखाइए, यहां पर ये 504 किलोमीटर की दूरी है बेलगोरोद तक, और यहां पर आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा यहां, चाहे वो क्रीमिया हो जहां पर सेवेस्तोपोल फ्लीट पर यूक्रेन ने हमला किया, या बेलगोरोद हो जो खार्किव से सटा हुआ रूस का शहर है और ड्रोन से जहां पर अटैक किया गया, ये अटैक्स बताते हैं कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी यूक्रेन की चेंज हुई है। अब इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। सवाल है, क्या यूक्रेन को पश्चिम से रूस से पर हमले की इजाजत मिल गई है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या रूस पर भीषण हमले का ये सिर्फ कोई ट्रेलर है? इसके अलावा क्या यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने वाली है अमेरिका से रूस पर हमले के लिए? क्या अमेरिका से रूस को अत्याधुनिक जेट मिलने वाले हैं? बेलगोरोद पर अटैक क्यों किया गया, ये सवाल इसी से उठते हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है बेलगोरोद, सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। ड्रोन और हाइमार से निशाना बनाना आसान होगा इसको, रूस को नेटो की ताकत का एहसास दिलाना कहीं ना कहीं यूक्रेन चाहता है, और बेलगोरोद पर हमले से क्रीमिया के मुद्दे को जिंदा रखना भी वो चाहते हैं। लेकिन कर्नल राठौर, आपको क्या लगता है, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी उनके काम आएगी, और क्या वाकई वो रूस पर प्रेशर बना पाएंगे, या वो कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे? देखिए, इससे पहले भी यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस करके यूएवी से और ड्रोन से अटैक किया है, और उन्होंने रूस को फोर्स किया था कि उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, दो एयरफील्ड्स पर अटैक किया था, उनको अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पीछे ले जाने पड़े थे। अब धीरे धीरे जैसे युद्ध खिंचता जा रहा है, अभी यूक्रेन की वो जो थोड़ी सी झिझक थी रूस मेन लैंड पर अटैक करने की, वो ख़त्म होती दिख रही है। और इसी तरीके से जो पुतिन की एक वार्निंग थी कि अगर मेन लैंड पर आप अटैक करेंगे तो बड़ा भीषण होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही। एक बात रूस को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम चूंकि बड़ी कंट्री है, बहुत पोरस है, और उसकी वजह से ड्रोन अटैक। लेकिन क्या इस पे कोई मैसेज है यहाँ पर, एवीएम श्रीवास्तव, कोई मैसेज है यहाँ पर यूक्रेन का? आपने क्रीमिया पर अटैक कर दिया, आपने बेलगोरोद पर अटैक कर दिया, उसके आगे का आपके पास अटैक करने का कोई यहाँ पर आपको क्लियरेंस दिखता है अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को? देखिए,
गौरव, आपने एक बात नोटिस की होगी, ज़ेलेंस्की शुरू से चाह रहे हैं, शुरुआती दौर से, कि किसी तरीके से वो ये संदेश बहुत स्ट्रांगली पहुंचा सकें कि अगर रूस की किसी तरह विजय होती है तो ये सारे देशों की हार होगी, सबके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। आपने देखा था कि जो पोलैंड की मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रूस की मिसाइल है, वो उनकी नहीं थी, उनकी यूक्रेन की अपनी थी। इस तरह से ये भड़काने वाला काम ये ज़ेलेंस्की बीच बीच में करते हैं, ठीक है। जैसा कि पुतिन ने कहा था कि जिस देश का यूक्रेन होगा हम उस पर करेंगे चढ़ाई, हाँ। इसका मतलब अब किसी और को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या पुतिन की तरफ से रिएक्शन आता है। यूक्रेन आर्मी के माइंस क्लियरिंग व्हीकल का वीडियो आप देखिए, UR-77 से रूसी सेना की बिछाई माइन को कैसे यूक्रेन ने उड़ाया आप देखिए। ये सोवियत काल का माइन क्लियरिंग व्हीकल है UR-77। इसलिए जब फायर किया जाता है तो उसमें जो शेल निकलता है उसमें एक लंबी रस्सी दिखाई पड़ती है और वो फिर माइंस पर जाकर गिरती है। रूसी माइंस को साफ करने के लिए यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा है। वैगनर चीफ की पुतिन से चौंकाने वाली डिमांड सामने आई है, यूक्रेन से अब युद्ध खत्म करें पुतिन, ये कहा है ये वैगनी प्रिगोजिन ने। ये तो पुतिन के पैसों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, बड़ा चौंकाने वाला ये सब यहां पर इनका दावा है। ये वैगनी का दावा, ये युद्ध खत्म करने का सही वक्त है, युद्ध खत्म कर युद्ध को खुद को विजेता घोषित करे रूस, ये कहा है प्रिगोजिन ने। आखिर ये प्रिगोजिन कह क्या रहे हैं, एक खबर और देख लीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट से इन दोनों खबरों पर बात करते हैं। पुतिन ने सेना में नए भर्ती कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, पुतिन अब युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। पुतिन ने सेना में नए भर्ती कानून पर हस्ताक्षर किए, युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बुलाया जाएगा, ईमेल के जरिए उनको डिजिटल समन किया जाएगा और समन भेजने वाले युवाओं को देश छोड़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। काइंड ऑफ एक ऑनलाइन मोबिलाइजेशन शुरू होने लग गया है रूस में, सेना में भर्ती नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो एक तरफ यहां पर प्रिगोजिन कह रहे हैं कि वॉर खत्म करो, ये वॉर खत्म करने का और खुद को विजेता घोषित करने का सही वक्त है, दूसरी तरफ पुतिन नए रंग रूट भर्ती कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। क्यों, क्या करना चाहते हैं पुतिन, आप समझिए। युद्ध खत्म हो या नए भर्ती कानून पर यहां पर जिस तरह से हस्ताक्षर किए गए हैं पुतिन की तरफ से, इसका क्या यहां मतलब समझ में आता है। बिगवाल दिखाइए यहां PCR, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, क्या कहता है ये पूरा मामला। देखिए, युद्ध खत्म हो, प्रिगोजिन, ये वैगनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, इन्होंने क्या कहा, देश के लिए हमें युद्ध खत्म करना होगा, ये प्रिगोजिन कह रहे हैं। जबकि पुतिन क्या कर रहे हैं, इन्होंने नए भर्ती कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, युवाओं को सेना में जबरन भर्ती किया जाएगा। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई युद्ध खत्म करो, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, युवाओं को भर्ती करो। सवाल है इन दोनों से क्या हमें यहां पर विश्लेषण यहां पर इसका क्या है, इससे हमें क्या दिखता है इसके अंदर का मकसद, लोगों को बताना होगा कि रूस ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। ये प्रिगोजिन ने कहा, पुतिन युवाओं को सेना में आने के लिए डिजिटल समन भेज रहे हैं, उनको डिजिटल समन किया जाएगा। अब यहां प्रिगोजिन कह रहे हैं कि नया मोर्चा खोलने पर हालात बिगड़ने की संभावना है, जबकि मिलिट्री हेडक्वार्टर में रिपोर्ट नहीं करने पर उन युवाओं पर कार्रवाई होगी जिनको समन किया गया है। रूस के भविष्य के लिए युद्ध खत्म करना होगा, ये प्रिगोजिन कह रहे हैं। यहां पर युवाओं को देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई, ऐसा लग रहा है कि मानो अब बहुत बड़ा एक युद्ध फिर शुरू करने जा रहे हैं। आपको एक जानकारी और दे दें, युद्ध शुरू होने के बाद से 9,00,000 युवाओं ने रूस छोड़ दिया है। ये देखिए, ये यहां पर लिखा हुआ है, युद्ध शुरू होने के बाद 9,00,000 युवाओं ने रूस को छोड़ा है। जरा इसको और हम फोकस करके दिखाते हैं। सवाल ये है, 9,00,000 युवा अगर युद्ध छोड़, 9,00,000 युवा अगर रूस छोड़ चुके हैं और वहां पर पुतिन लगातार, क्या उनको ये बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर है कि युद्ध में शामिल हो, ये एक सवाल है। जल्दी से आपको इस बारे में और बताते हैं, संकेत क्या है, फिर चलते हैं मनीष झा के पास। संकेत येवगनी प्रिगोजिन ने क्या दिया है, येवगनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर आर्मी चीफ है, उनका संकेत कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गोला बारूद की कमी है या मोरल डाउन है, उनके लड़ाके थकने लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन क्या संकेत दे रहे हैं, उनको वैगनर के पीछे हटने का कहीं ना कहीं डर है और इसीलिए वो मोबिलाइजेशन दिखता है। रूस में सैनिकों की कमी भी अब कहीं ना कहीं दिखती है। मनीष, आप इन दोनों में से किसके दावे को ज्यादा बाय करते हैं और क्या वैगनर आर्मी के चीफ ने ये संकेत दे दिए हैं कि ये युद्ध का फाइनल राउंड है? देखिए, पहले सोलेदार और अब बाखमुद, नो डाउट इसमें वैगनर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी वैगनर ने चुकाई है। और अब प्रिगोजिन के पास लोग नहीं है, वैगनर आर्मी में बहुत सारे लोग मारे गए हैं सोलेदार में और बाखमुत में, और इस वजह से प्रिगोजिन को यह लगता है कि उनके लिए तो सबसे ऑनरेबल एग्जिट यही है। लेकिन प्रिगोजिन भी इस बात को जानते हैं कि रूस जब यह युद्ध लड़ रहा था तो केवल इसमें वैगनर आर्मी ही नहीं है, वैगनर आर्मी सिर्फ एक पार्ट था। रूस की ऑफिशियल आर्मी के अलावा वैगनर आर्मी जैसे दर्जनों ऐसे प्राइवेट आर्मी
युद्ध के मैदान पे हैं, कम से कम 8-10 तरह के प्राइवेट आर्मी से तो मैंने मुलाकात की। नहीं, और अगर युद्ध खत्म करना है, युद्ध खत्म करना भी होता एवीएम श्रीवास्तव, तो फिर ये ऑनलाइन मोबिलाइजेशन क्यों होता? क्या आपको लगता है कि वाकई जो प्रिगोजिन कह रहे हैं रूस के लिए ये सही मौका है खुद को विजेता घोषित करके इस युद्ध से एग्जिट होने का, या आपको लगता है कि नहीं पुतिन उनकी बात नहीं मानेंगे? देखिए गौरव, आपके चैनल पे ही कई बार कहा गया है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए दोनों साइड्स अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी, यूक्रेन भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, ये स्प्रिंग ऑफेंसिव का पार्ट है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं जबरन फौज में शामिल करने की, उनके यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन रहा है पहले से ही, 1 साल, 18 साल से 27 साल के जो युवा हैं, मेल जो लोग हैं, उनको 1 साल के लिए आर्मी की सेवा करनी पड़ती है या आर्म फोर्सेस की। अब उसको उन्होंने बढ़ा करके 21 से 30 कर दिया है, और उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया है, मतलब उसको ऑटोमेट कर दिया है, जिससे समझ जाएगा ऑटोमेटिक, सबके नाम वगैरह हो गए, अब उसमें भूल चूक नहीं हो सकती। एक तरीका उन्होंने नया बनाया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये वो तरीका हुआ है। लेकिन जहां तक कॉन्स्क्रिप्शन का सवाल है, वो पहले से ही मौजूद है, और मोबिलाइजेशन तो उनको अपने पास रखना ही पड़ेगा। प्रिगोजिन के दावे में आपको दम नजर नहीं आता, हां या ना? पारन, ये प्रिगोजिन के दावे में आपको दम नजर नहीं आता? प्रिगोजिन के दावे में दम इसलिए नहीं, वो तो कई लोग कह रहे हैं। रूसी सेना ने ट्रेनिंग का एक घातक वीडियो जारी किया है, किस तरह से रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, एक वॉर ड्रिल वहां पर हुई है, उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। ऑटोमेटिक गन से फायरिंग करते दिखे हैं रूसी सैनिक, तो जो मोबिलाइजेशन हो रहा है आप कह सकते हैं उनको लगातार ट्रेन किया जा रहा है, और उन्हीं को फिर लड़ाई में भेजा जा रहा है, इसीलिए लगातार रूस की तरफ से सैनिकों की भर्ती पर जोर दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से दिखाता हूं, ये रूसी सेना की ट्रेनिंग के वीडियो के बाद ज़ापोरिज़िया से आ रही खबर देखिए। ज़ापोरिज़िया में जंग के बीच रूस ने एक बड़ी तैयारी की है, ज़ापोरिज़िया को लेकर रूसी सेना की ट्रेनिंग सामने आ रही है। अभी मनीष बता रहे थे कि ज़ापोरिज़िया पर यूक्रेन का फोकस रहेगा, अब देखिए रूस ने उसका काउंटर प्लान तैयार कर रखा है। ज़ापोरिज़िया के लिए अपने सैनिकों को ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है रूस, और वो तस्वीरें आप देखिए, ट्रेंच में कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको कैसे जंगल में लड़ाई लड़नी है, कैसे आपको ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के सैनिकों को काउंटर करना है, ये सब यहाँ पर रूस ने ट्रेनिंग दी है अपने सैनिकों को। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं यूक्रेन से, यूक्रेनी सैनिक के ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। एक तरफ रूस के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों को लेपर्ड टैंक जो मिले हैं वेस्ट से, उनको चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेपर्ड टैंक से गोला बरसाता दिखा है यूक्रेनी सैनिक, देखिए ये तस्वीर। पहली बार दुनिया के सामने आई है यूक्रेनी सीक्रेट फोर्स, यूक्रेन की सीक्रेट आर्मी जो बहुत खतरनाक मानी जाती है, वो पहली बार दुनिया के सामने आई है। टॉप सीक्रेट कमांडो यूनिट का वीडियो सामने आया है, रूस के खिलाफ जंग में उतरे हैं यूक्रेन की सीक्रेट फोर्स के कमांडो, दोजोर जिनको कहा जाता है, इनका नाम है दोजोर। फ्रंट लाइन पर स्पेशल ऑपरेशन में जुटी हुई है सीक्रेट फोर्स, और उसका वीडियो सामने आ गया है। तो यही हम पूछ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने अपनी जो सबसे स्पेशल फोर्स है, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको वॉर में उतार दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं कि अब ये आर या पार का राउंड है, अब ये फाइनल राउंड है, अब ये आर या पार का वक्त है। दोजोर कौन है, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, ये दोजोर क्या करेंगे आपको ये बताते हैं। दरअसल ये यूक्रेन के स्पेशल कमांडोज हैं, आप समझ सकते हैं हर सेना के पास, हर देश के पास अपने स्पेशल कमांडो होते हैं। 2002 में दोजोर की स्थापना की गई, इनको अमेरिका से ट्रेनिंग मिली हुई है, खास नेवी सील्स की तरह ट्रेन किया गया है इनको, काम है किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देना, और अब इनको यहां पर उतारा जा रहा है। इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत है कि ये रात में भी लड़ने में माहिर हैं, बहुत ज्यादा ये प्रिसिशन के साथ लड़ाई लड़ते हैं। इनकी महारत समंदर, आसमान और जमीन में ऑपरेशन करने में ये काबिल है। कुल कमांडोज यहां है 53,000 से ज्यादा। सवाल है कि इनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कर्नल राठौर जल्दी से इनको वॉर में उतारने का क्या आप मतलब देखते हैं, 30 सेकंड बताइए। यूक्रेन के पास ये कमांडोज पहले भी थे, और इनको ट्रेनिंग जो है अमेरिका ने अपने सील, नेवी सील्स के तर्ज पे दी है, और इनका जो है 53,000 की जो संख्या आप बता रहे हैं ये कुछ ज़्यादा है, इट्स अ वेरी वेरी रेयर काइंड ऑफ ट्रूप्स। और इसका जो इस्तेमाल ये शायद करेंगे वो ये करने वाले हैं क्रीमिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये अंडर वाटर और सी से इंसर्शन के एक्सपर्ट हैं। आप कह रहे हैं क्रीमिया में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन बड़ी वॉर की तैयारियों में जुटा हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर आई है। चीन के नए मिलिट्री ड्राफ्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है, चीन ने अपने सैनिकों की भर्ती के नियम बदल दिए हैं, पीएलए को हर मोर्चे पर वॉर रेडी तैयार करने का प्लान सामने आया है। सेना में वॉर वेटरन्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को तरजीह दी जा रही है,
यानी अब चीन ने ताइवान पर अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन में भारी टेंशन एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ताइवान की जो खाड़ी है वहां पर चीन का ताइवान स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप ट्रैक करने का दावा है। चीन ने कहा अमेरिकी वॉरशिप को देखते हुए ही हम हाई अलर्ट हो गए, यानी यहां पर चीन वॉरशिप जो अमेरिका का आया उसको देखते ही उसने वहां पर अपना अलर्ट सायरन बजा दिया। बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है चीनी एयरफोर्स। पेंटागन के लीक हुए दस्तावेज से यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए पेंटागन के लीक दस्तावेजों ने तो तबाही मचा रखी है। एक के बाद एक खुलासे ऐसे हो रहे हैं दुनिया भर के बारे में जो बताता है कि अमेरिका कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए जो यहां पर आ रही है पेंटागन से जुड़ी हुई। ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन, और इसी से जुड़ी आपको जल्दी से यहां पर हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए चीन की हवाई ताकत आप देखिए, 600 बम वर्षक विमान उसके पास हैं, 1300 लड़ाकू विमान हैं और 4 श्रेणी के जासूसी जेट वो रखता है जिनका इस्तेमाल कभी भी वो कर सकता है यहां ताइवान के खिलाफ। मेरे पास समय कम है एवीएम श्रीवास्तव, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पर। देखिए अभी मुझे नहीं लगता है जो भी लीक डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्योंकि पेंटागन से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं, जैसे इराक के बारे में आया था WMD का, आपने सुना ही था, वो सही नहीं होती है, ये असेसमेंट है उनका। लेकिन चीन के लिए इस वक्त ताइवान पर अटैक करना तर्कसंगत नहीं लगता है और ये इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, ताइवान को अपनी सीमा में रखने के लिए संदेश देना, अपनी तैयारी करना और यूएसए को भी संदेश देना, मैं क्योंकि समय कम है मेरे पास, नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है मनीष, क्योंकि ताइवान से होकर आए हैं। मनीष, समय कम है, 30 सेकंड में बता दीजिए हमारे दर्शकों को ताइवान की क्या तैयारी आपने वहां पर देखी थी। देखिए ताइवान अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर चीन से लड़ने के लिए ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन चाहिए। बड़ी बात यह है कि अमेरिका को जिन हथियारों को ताइवान को देना था वो तो वो दे नहीं रहे हैं, बल्कि वो हथियार यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत के समय में अमेरिका ताइवान को कैसे हथियार दे पाएगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात कि ताइवान के तमाम बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों तक से मैंने बात की है, उन सब का कहना है कि हम लोग यूक्रेन के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। यूक्रेन के पैटर्न को स्टडी करने का मतलब यह है कि जब चीन एमपीबीएस आक्रमण करेगा, यानी कि हवाई से भी और जमीन पर उतार कर, उस वक्त ताइवान के भी आम आदमी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान बेचारा यही सोच रहा है कि अगर अमेरिका लेट से आया तो लड़ना तो हमें ही पड़ेगा।